जय हिंद। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube क्लास में। स्वागत करता हूं आप सबका। थोड़ा वक्त का अभाव है इसलिए बेहद ही छोटा टॉपिक मैंने आज सेलेक्ट किया है ताकि क्लास में कंटिन्यूटी बनी रहे, गैप ना हो, आप लोगों को लगे कि नहीं यहां से कुछ ना कुछ रोज मिलता है और मिलेगा। तो इस उद्देश्य से वक्त कम होने के बावजूद भी मैं बहुत ही कम संदर्भित विशिष्ट तथ्य विविध मिसलेनियस के तौर पे इन उस क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है और वही मैं पढ़ाऊंगा। तो आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कह रहा है कि हिमालय कंट्री किसे कहते हैं, तो हिमालय कंट्री नेपाल को और भूटान को कहा जाता है क्योंकि नेपाल और भूटान में हिमालय बहुत अधिक है। इसके बाद से कह रहा है कि जैसे हिमालय को तीन भाग में बांटा गया है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय। तो यहाँ कह रहा है कि बृहद हिमालय का उपनाम क्या है, तो हिमाद्री। बृहद हिमालय को हिमाद्री के उपनाम से जानते हैं। फिर कह रहा है कि खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है, तो खनिजों का भंडार जो है मध्य हिमालय को कहा जाता है। मध्य हिमालय में खनिजों के अपार भंडार छिपे हुए हैं। उसके बाद कह रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह अवस्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में स्थित है ये। इसके बाद से पांचवा पॉइंट कह रहा है कि ब्लू माउंटेन्स किसका उपनाम है, तो दोस्तों जो नीलगिरी की पहाड़ी है उसको ब्लू माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है। और नीलगिरी कहते हैं, आप देख सकते हैं भारत के नक्शा में ये जो पूर्वी घाट पहाड़ है और पश्चिमी घाट पहाड़ है, पूर्वी घाट पहाड़ और पश्चिमी घाट पहाड़ के मिलन स्थान को नीलगिरी कहते हैं। जैसे एक और सवाल नीलगिरी से पूछता है कि भारत का जैव आरक्षित क्षेत्र कौन है, तो नीलगिरी है। नीलगिरी किसे कहते हैं, तो पूर्वी घाट पहाड़ और पश्चिमी घाट पहाड़ के मिलन स्थान को नीलगिरी कहते हैं। नीलगिरी में दोस्तों बहुत घने जंगल हैं क्योंकि वहां बारिश अधिक होती है। तो नीलगिरी में कौन सी वर्षा होती है, तो वहां पर्वतीय वर्षा होती है। तो ये नीलगिरी से संबंधित रहा, नीलगिरी की पहाड़ी। चूंकि नीलगिरी से दो तीन क्वेश्चन हम लोग जान गए कि ब्लू माउंटेन्स जो है नीलगिरी को कहते हैं, भारत का जैव आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है, पूर्वी घाट पहाड़ और पश्चिमी घाट पहाड़ का मिलन स्थान नीलगिरी कहलाता है, नीलगिरी में पर्वतीय वर्षा होती है। आगे कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। सर रेड क्लिफ नामक गवर्नर अंग्रेज ने भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा है उसका निर्धारण किया था, इसीलिए उसका नाम रेड क्लिफ रेखा पड़ा। फिर कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा गर्त यानी कि गड्ढा, भारत का सबसे बड़ा गर्त जो है मेरीना गर्त है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है, उसकी गहराई है 1150 मीटर। फिर कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित हिमनद का नाम है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित हिमनद का नाम सियाचिन है। ये क्वेश्चन और पूछता है ये कि सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल का नाम बताइए, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल का नाम सियाचिन है। सियाचिन को लेकर के विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच। सियाचिन जो है भारत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऊंचाई पर स्थित है, जिसको सियाचिन पर कब्जा होगा वो आसानी से युद्ध को जीत सकता है, इसलिए सियाचिन हम लोगों के लिए काफी माने रखता है और उस पर अभी भारत का नियंत्रण है। आगे कह रहा है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है, तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है लेह है और भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान जो है मेघालय का मानसिनराम नामक जगह है। मानसिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है और यहाँ जो है लेह में कम बारिश होती है। फिर कह रहा है कि भारत के किस राज्य में फूलों की सबसे अधिक किस्में पाई जाती है, यानी कि फूलों के सबसे अधिक प्रजाति भारत के किस राज्य में है, तो दोस्तों सिक्किम राज्य में सबसे ज्यादा फूलों की प्रजाति पाई जाती है। तो दोस्तों आप लोगों से मैं माफी चाहता हूँ, पूरा क्लास नहीं दे पाया और कोई बेहद ही शानदार टॉपिक आज सिलेक्ट नहीं किया,
कोशिश करूंगा कि कल से उसको निरंतर दूं, आज मिसलेनियस से ही आप लोग सब्र कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।